की प्रतिष्ठित सीटों में से एक पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की लड़ाई जो है इस बार बेहद दिलचस्प है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं, उसी में से एक हैं हमारे साथ रमेश शर्मा जी, जो उद्योगपति हैं और बिहार के बड़ा चेहरा है, और वो यहाँ से लड़ाई को और रोचक बना रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से स्थानीय कैंडिडेट हैं जो इस बार जो पाटलिपुत्र की लड़ाई है उसे बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता की आवाज मीडिया पर्सनालिटी होने का एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप हमारे पास भी आए और हमारा भी वो क्या व्यूज़ है, हमारा क्या उद्गार है, हमारा क्या सोच है, हमारा क्या समझ है, उससे भी पूछने का पेशकश आपने की है। इसके लिए आप धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी हमारा सलाम। सर, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि आपका मैनिफेस्टो मैंने देखा, उसमें आपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कई ढेर सारी जो घोषणाएं हैं वो की है। क्योंकि आप उद्योगपति भी रहे हैं, आप पहले से भी इस क्षेत्र में काम करते रहे, आपकी समाजसेवी की भी भूमिका रही है, तो इन तमाम चीजों का समायोजन आप लोग किस तरह करेंगे और किस तरह क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के आप काम करने की योजना बना रहे हैं? लेकिन जहाँ ये मुद्दे की बात है तो सबसे पहले यहाँ पे बेरोजगारी की मुद्दा है। ये जितने युवक जो लोग हैं, किसान लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियरिंग डॉक्टर बना रहे हैं, वो उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग अब अप्लीकेशन करने के लिए भी फॉर्म वो खरीदते हैं, ऐसे कितने फॉर्म खरीद करके वो सरकार के कोष में पैसा जमा कर दिए हैं कि वही हजारों करोड़ तक पहुँचा हुआ है। वो सर जिसका जो एक फॉर्म जमा होता है उसका इंटरव्यू भी बहुत दिन के बाद होता है और एग्जामिनेशन भी बहुत दिन के बाद होता है, उसका रिजल्ट भी कुछ और तरीके से आता है। तो ये मिलजुल करके ये जो सरकार का प्रक्रिया है, भारत सरकार का हो या बिहार सरकार को है, यूथ को उलझा के रखना, कभी वो जो हैंकिंग कैरेट ऑन द नेक वाली आपने डायलॉग आपने सुनी होगी कि वो पूरा एक कैरेट को नेक पे ऐसे लटका देता है कि वो आप खा नहीं सकते, देख सकते हैं नहीं खा नहीं सकते, वो उस तरीके का ही विटमना है। तो यहाँ हम अगर यहाँ पे विजयी अगर होते हैं तो यहाँ के जितने जो नवयुवक हैं तो जो भी लायक होंगे उन्हें हम देश में और विदेश में नौकरी हम देंगे। हमारा ये रोजी रोटी पानी के जहाज़ से शुरू हुआ है 1975 में, आज भी हम पानी के जहाज से ही रोजी रोटी अपना कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी हम जहाज़ खरीदते हैं और फिर बेचते हैं और उससे ही हमारा काम चल रहा है, हमारा मेन व्यवसाय वही है। यहाँ के जितने जो युवक होंगे उनको भी हम पानी के जहाज़ पे, जो इंग्लिश जिन में जिनकी अच्छी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज पे उन जिनका कंट्रोल होगा, उनको देश से हम बाहर भेजेंगे और जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है उन्हें देश के अंदर में रह करके पानी के नहीं पर देश के अंदर भी पानी के जहाज़ कोस्टल पे चलते हैं तो वहाँ पे उनको नौकरी दिया जाएगा, जहाँ वो 6 महीना वहाँ भी जहाज़ पर काम करेंगे, 6 महीना ये लैंड पे काम करेंगे, करके वो अपना इमेज डेवलप कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, स्किल को बढ़ा सकते हैं और फिर अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो इंडिया छोड़ने के बाद क्या बिहार छोड़ने के बाद ही इंग्लिश का ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब बोलते बोलते वो सीख जाएंगे, फिर उन्हें बाद में आगे बढ़ाया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इलेक्शन के लिए वो सिंबल भी जो दिया है वो पानी का जहाज़ दिया है, वो साक्षात यहाँ भी देवी देवता आशीर्वाद दे करके इस डूबती हुई पाटलिपुत्रा के डूबती हुई बिहार का ये आधार को तिनके का भी सहारा होना चाहिए था, देवी देवता ने हमें जहाज़ दिया है, हम पूरे जहाज़ लेकर के आए हैं और पाटलिपुत्रा को हम उद्धार करेंगे।
सीमन के बाद से ही पाटलिपुत्र की एक सबसे बड़ी समस्या रही, आपने भी उस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से जब नया क्षेत्र बना उस समय से ही यादवों को यहाँ पे बड़ी पार्टियाँ जो है वो उम्मीदवार बनाती है, ये भी एक बड़ी समस्या रही है, जबकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या जो है ब्रह्मर्षि समाज के लोगों की है, लेकिन क्या वजह है कि क्यों उन्हें उपेक्षित बार बार किया जाता है, उसकी आवाज़ भी आप उठा रहे हैं। आपका ये बहुत ही मार्मिक सवाल है, इसके ऊपर मैं बात जरूर कहूँगा। मैं फिर थोड़ा आपके जो यहाँ कुछ करने की जो बात है मैं उस साइड में जा रहा हूँ, जो आप बीच में आ गए। एक तो मैंने बेरोजगारी की बातें कही, दूसरी बात यहाँ शिक्षा के बहुत अभाव है। शिक्षा यहाँ पे प्राप्त करना अंडमान पैदल जाने के जैसा बराबर हो गया है। यहाँ कोई कितना भी पैसा खर्च कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर सरकारी इंस्टीट्यूशन जहाँ है वहाँ तो टीचर ही नहीं है, कोई वहाँ पे सिलेबस का सिस्टम ही नहीं है, वहाँ जितना प्राइवेटाइज्ड सब करके वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, यहाँ किसानों का सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है, सोन नदी सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ जो एग्रीमेंट यहाँ बिहार सरकार से हुई है कोई एग्रीमेंट के लिए ये कार्यान्वित नहीं कर रहा है, राम भरोसे हिंदू होटल वाली बात होकर कर रह गया है। यहाँ ट्यूबवेल वगैरह जितना सरकारी जो खुला हुआ है वो सब ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं। यहाँ चापाकल पानी के पीने के लिए जो खुला हुआ है, किसी का डंडी टूटा हुआ है, किसी का घुंडी निकला हुआ है, किसी का ये वाशर गिरा हुआ है, वहाँ कहीं कोई उसको देख रेख नहीं है। जबकि सरकार का मूलभूत जिम्मेदारी है जो जो वहाँ पर उसके कानून के तहत जो उसके स्कीम के तहत जो वहाँ एग्रीमेंट के तहत है तो वो उसको लागू करे। अगर लागू नहीं अगर कर सकता है, कमजोरी है, तो वो भारत सरकार से वो सहयोग मांगे। भारत सरकार भी सहयोग नहीं अगर देती है तो यहाँ जनता जनार्दन के पास आए और उनसे कहे कि आप सहयोग दीजिए, सब मिल करके करेंगे। अगर बिहार सरकार लाचार है उसको पब्लिसिटी करने में ही और एक जुमला सुशासन का नाम देने में ही अगर वो बिजी है शासन करा करके, तो कम से कम इतना तो तमीज़ होना चाहिए वो कहे कि भाई मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन आप जो कहेंगे हम आपके साथ हैं, आप कहें तो हम मिल करके दिल्ली चले पार्लियामेंट में हम अपने ये आवाज़ उठाएंगे ही, आप वहाँ जा करके घेराव कीजिए पार्लियामेंट का, आप राष्ट्रपति भवन का आप घेराव कीजिए और करके अपना हक मांगिए। लेकिन यहाँ तो जो बिहार सरकार में है वो दल बदली करके अपना चमड़ी बचाने के लिए वो भी कुकर्म करने के लिए तैयार है। कभी वो गिरगिट भी झूठा पड़ जाता है इन लोगों के सामने, वो सरेंडर कर जाता है कि भाई आप की जैसे मैं अपना रंग नहीं बदल सकता। यहाँ पे सड़क व्यवस्था ठीक हुई है, उसे और सेफ्टी फैक्टर्स उसको लाना जरूरी है। इस सड़क के साइड में वृक्ष लगाना जरूरी है कि वो गर्मी से राहत मिले, जहाँ वहाँ आते जाते आदमी वहाँ या टायर पंचर कर जा रहा है वहाँ ये आते जाते रोड पे, यहाँ लोगों का ये परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, डिवाइडर बीच में नहीं होने के कारण एक्सीडेंट हो जा रहा है। ये नौबतपुर एरिया जहाँ आप आए हैं ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत लोग जान जोखिम में डाल के चलते हैं, कितने तो जान गंवा चुके हैं, तो वो सब हम इसका समाधान करेंगे। यहाँ पे हफ्ता वसूली का हर बाजार में, हर मार्केट में, हर प्रखंड में ये हफ्ता वसूली का यहाँ पे समीकरण चला हुआ है। हम अगर जीतते हैं तो हमारे नाम से ही हफ्ता वसूली सब बंद हो जाएगा, क्योंकि जो हफ्ता वसूली का सिलसिला जो चलता है वो अधिकांशतः पुलिस और राजनेता के सहयोग से ही फलते फूलते रहते हैं, संरक्षण में चलता है। हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ रोजी रोटी के लिए नहीं आए हैं, मैं सब जो रोजी रोटी है हमारा है उसको छोड़ करके हम कंपनी से रिजाइन करके हम आए हैं, और इस उद्देश्य से कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और हमारा अति सर्वर्थ विवर्जयत का एक सिद्धांत है, इसके कारण मैं अपने आप को वहाँ से निकाल लिया हूँ और यहाँ परिवार को आगे बढ़ाया, सब पूरे रिश्तेदार को बढ़ाया, जो यार दोस्त जो जितने ज़रूरतमंद थे उनको भी आगे बढ़ाया। यहाँ के जो पब्लिक है वो लोग जो आ सकते थे बॉम्बे गए, उनको नौकरी सबको दिया गया। इस एरिया के 500 लोगों को हमने कंपनी में नौकरी दिया हुआ है, करीब 100 लोगों को देश से बाहर विदेश में भी हम नौकरी दिए हुए हैं। हम अभी
आ करके उसको और हम फलीभूत करेंगे। यहाँ हर साल 500 लोगों को मैं नौकरी 101% में दूंगा, और ये कोई किसी के जैसा वो 2 करोड़ वाली बात जुमला जैसा नहीं है, ये हमारी हकीकत है। क्योंकि हमारा चरित्र ये कहता है कि जो हम कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। एक आपके बारे में यहाँ कहावत है कि चूँकि एक बार यहाँ पे एक शराब की फैक्ट्री लग रही थी, उसके लिए ज़मीन जो है कुछ लोग लेने का प्रयास कर रहे थे, उस पर आपने अपोज किया था और उसको लेकर के आपने जोरदार मुहिम भी चलाया था। मुहिम चलाया था। फिर मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि इसके पहले वाले आपके सवाल को जवाब दे दूँ, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। आपने जो इस पाटलिपुत्रा में 2009 में पाटलिपुत्रा का जो गठन जो हुआ, इसके बाद जो यहाँ इलेक्शन लड़ा गया वो रंजय जाधव जी से, वो अभी जो यहाँ एक तरीके से उन्होंने तो हम लोगों ने गिरवी उनके हाथ में रख दिया था, जेडीयू का था वहाँ। अभी जेडीयू ने गिरवी रख दिया है बीजेपी के पास। अब वो कोई संपत्ति अगर आपका है कहीं ज़रूरत के अनुसार या कहीं प्यार से अगर कहीं गिरवी रखते हैं तो उसका अधिकार नहीं होता है कि वो ट्रांसफ़र कर दे, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ट्रांसफ़र कर दे और उसको लेकर के वहाँ एक मजाक बना ले। और वो क्योंकि लालू यादव यादव का कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है ये ऐसा अपना समझ लिया है कि ये पाटलिपुत्रा में यादव के अगेंस्ट यादव को खड़ा करेंगे। तो जो जितने सवर्ण हैं, भूमिहार ब्राह्मण